मरियम तुम भी मुबारक दे दिया करो कभी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। और हम लोग क्या खाने लगे हैं? नहीं नहीं, चलिए तुम खुद जाओ। तो अकेली जाने में मैं जा सकती, तुम भी लोग भी बना लेना मुझे रास्ता नजर। ये खट्टी है, मजा आता है। तुम भी लोग भी बना लेना साथ साथ। नहीं, ये देखिए हमारी चैनल फूट गई है। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने घरों में जो है ना ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और अल्लाह ताला जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, अल्लाह ताला हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला बाकी दिन भी जो है ना वो अच्छे से आप लोगों के गुजारे। और मैं अभी जाने लगी हूँ जॉब पे, और मेरा टाइम हो चुका है जॉब पे जाने के लिए। तो आप लोगों को पता है आज का व्लॉग मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना बाकी दिनों के व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। आज माशाल्लाह कब्रिस्तान में देखे कितनी आवाम आई हुई है अपने प्यारों से मिलने, माशाल्लाह। अच्छा जी, आधे बच्चे हमारे सो रहे हैं और आधे बच्चे जाग रहे हैं, और बच्चों को टाइम आ गया है ईदी देने का। तो ये है हमारी प्यारी सी हुरिया, आ जाओ हुरिया, ये लो, ओए मेरी जान, चलो अब नन्ना की बारी है। ये है हमारी प्यारी सी हुरैन, माशाल्लाह। अब ईशा की बारी है, ये मेरी प्यारी सी ईशा। और अब लाइबा की बारी है, ये लो लाइबा, अब बढ़ी हो आपको 200, ठीक है? वाह भाई वाह, थैंक यू, किसने बोलना है मुझे? मेरी प्यारी सी, अभी सारी प्यारी प्यारी सी डॉल्स लग रही हैं माशाल्लाह, है ना। हुरिया भी बहुत प्यारी लग रही है। अब मुझे बता हो रहा है, ये देख, ये नहीं ना हो रहा है, दो नहीं एक ही बहुत है ना हो रहा है। आपको दो की बाकी भी कहेगी मुझे, तो वो देखो हुरिया भी देख रही है। प्यारी सी जो है प्यारी सी, आधे बच्चे हमारे सो गए हैं। हाय, एक मेरी शहजादी की तो मैं ईदी भूल गई हूँ, मैं अपनी जान की ईदी तो भूल गई हूँ। ये है ज़ैनब की ईदी, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ लेगी भाई, पकड़ लेगी, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ओए हो गए, गिर गए। अच्छा, ईद के फर्स्ट डे के जो है ना मेरे पास सिर्फ इतने से पार्ट हैं, और मैं यही बीच में जो है ना ऐड कर पाई थी, और इसके बाद हमारे घर में इतने मेहमान इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना व्लॉग जो है ना मैं मज़ीद बना पाऊँ। हालांकि मैंने कोशिश बड़ी की थी, इसी नीयत से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अपना व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन सब दुआ के लिए आ रहे थे तो इसलिए फिर मैं नहीं बना पाई। आप लोगों को हमारी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मरियम, तुम भी मुबारक दे दिया करो कभी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक गाइस। और ईद का दूसरा दिन भी आज वो किसने मुबारकबाद देनी है? और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। हमारी तो बस मेहमान 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 और कोई काम नहीं है आज। खैर, ये लोग अभी जा रही हैं, कहाँ जा रही हो तुम लोग? चुबुरजी जा रही हैं, और मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे तो बिल्कुल कोई कंसेशन नहीं है, तो बाकी देखते हैं बाकी का दिन कैसे गुजरता है। कल का भी यही था, मेहमान आ रहे थे जा रहे थे, मेहमान आ रहे थे जा रहे थे, फिर ड्यूटी पे गई, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था तो हम लोगों को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि हम वीडियो बनाएं। आज से हमारे पास निकाह का इवेंट और जो हमारा सेटअप है ना वो लग गया होगा, तो आज से मैं आप लोगों को अपना सेटअप दिखाती हूँ कि हमारे पास किस तरह के सेटअप लगाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने बजे फंक्शन है? ये देखिए, एक साइड पर लड़की और एक साइड पर लड़के को बिठाया जाएगा जब निकाह होगा। इधर वाला टेबल जो है वो लगने वाला है, एक साइड का लग गया, और
ये रिसेप्शन है जहाँ पे ब्राइड को और ग्रूम को बैठाया जाएगा, और ये है टेबल, गेस्ट टेबल है ये, बहुत अच्छा सेट लगा हुआ है माशाल्लाह से। और जिसका निकाह है अल्लाह ताला जो है ना उनमें भी प्यार मोहब्बत पैदा करिए। देखिए अभी ईद ख़त्म नहीं हुई लेकिन बुकिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं, और ईद के बाद आप लोगों को पता है ना कि वैसे शादियों का फंक्शन जो है ना बहुत होते हैं, मतलब सीज़न होता है शादियों का। तो अभी आज है हमारा ईद के बाद का ये पहला फंक्शन। मरियम की नींद पूरी नहीं होती है, सारा दिन सोती है, दिन के 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं बल्कि, और अभी तक सो रही है। और वैसे इसको फीवर भी था 2 दिन, ईद वाले दिन इसको 7 बजे ये घर आई है। ऐसे लोग ड्यूटी लेते हैं ना, मैं कहती हूँ तबाही हो जाती है। ये देख कराटे मार दी मरियम, मरियम तुम्हारे कराटों की आवाज़ जो है ना दूर दूर तक जा रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये देखिए अभी मुझे ये उठा रही थी, मैं उठी हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ, तो मुझे कह रही मैं नहीं अब जाऊँगी, तुम बाद में अकेली चले जाना। ये देखिए अब ये बैठ गई है। ये देखे बेटा मुझे जॉब से लेट हो जानी है, आज का आवाम ने उतर फ्रश डाला तो मुझे उठाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें कि तुम्हें लेट हो जाएगी। एक मिनट की भी मेरे लिए कोई कंसेशन नहीं है वहाँ पे, उन्होंने कहा टाइम पे आना है और आना तो आना, तो अब तुम मुझे छोड़ के फिर जाओगी जॉब पे, सही देर हो जाएगी जो भी हो, तुम्हारा मैं बंदोबस्त कर देती। नहीं नहीं तुम खुद जाओ, तो अकेली जाने में मैं जा सकती, तुम भी लोग भी बना लेना, मुझे रास्ता नजर आता है, तुम भी लोग भी बना लेना साथ साथ। नहीं ये देखिए हमारी चैनल बूट गई है। ज़ैनब गुड मॉर्निंग ज़ैनब, खुरपरी में रहती हूँ। हम लोगों का होने लगा है नाश्ता, और हम लोग क्या खाने लगे हैं, निहारी खाने लगे, और भाभी ने निहारी बनाई थी, इतनी मज़े की बनी हुई थी ना, बहुत टेस्टी बनी हुई है। जिसने नाश्ता करना है आप भी आ जाएं। ये देखिए बाल अंदर चले जाएंगे, चलो बिस्मिल्लाह करो। कल हम लोगों ने खीर बनाई थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं आज खीर खा लूं। आप लोगों को पता है ना कि ईद वाले दिन जो है ना खाने को दिल नहीं करता, दिखाओ ना लबा, इसमें तो आपके दादू के कपड़े थे, वो कहाँ हैं लबा, बैठ के स्कूल का काम नहीं करना है जैसे। कल जाना है स्कूल आपने, कल स्कूल जाना है आपने, कल क्यों नहीं जाना, मंडे को स्कूल ओपन हो रहे हैं। नहीं भी उनको स्कूल की गर्मियों की छुट्टी है, संडे है, संडे आज संडे है, मंडे को स्कूल ओपन होना है ना, बाबा ये लो। बच्चों को स्कूल से ईद की छुट्टियाँ हुई और मरियम ने जी महीनों की छुट्टियाँ करवा दिया, कहती है कि गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई है, तो कोई गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं हुई है, कल लाइबा ने स्कूल जाना है, क्यों लाइबा गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुँह देखे कैसा बना रही है, इतनी छुट्टियाँ करके दिल नहीं भरा। लाइबा हमें इतनी इतनी छुट्टियाँ नहीं थी होती, इस पे 2 छुट्टियाँ होती थी हमें, क्या खा के आई छुट्टियाँ, आप लोगों को सेम मज़े लगे हुए होते हैं, लेकिन हमें गर्मी की छुट्टियाँ ज़्यादा होती थी, आप लोगों को थोड़ी कम होती है। प्राइवेट जो है गवर्नमेंट को 3 महीने की छुट्टियाँ होती है। नाश्ता कर लिया आपने, किसके CAKE, अभी तक लाइबा आपको ये नहीं पता केक की स्पेलिंग क्या है, मोहल्ले वालों की दावत तुम्हें करनी, क्या करनी है इतनी स्ट्रॉबेरी, मतलब खाएंगे मुझे शेक पसंद है, जैसे मेरे को मम्मा दे रही है, और ये देखो मारा।
زینب کو بھی دو، زینب بھی بنائے گی. یہ کیا ہے؟ کپ ہے، اس میں ڈال کے پینی ہے. اسٹرابری کے پیسے بھی دی تو نہیں آئی گئی. اچھا جی، پیاری ہے ویسے نا، ماشاء اللہ بالکل فریش ہے. نہیں اتنی بھی فریش نہیں ہے، اتنے بیچ میں تھوڑی تھوڑی کلی ہوئی ہے. یہ پیاری ہے. نمک لے کے بیٹھنا تھا کھانے کے لیے، دیکھ منہ میں ویسے پانی آ جاتا ہے کھٹی کھٹی. پیاری تو ہے ہی ہے لیکن مزے کی بھی بڑی ہے، یہ میٹھی میٹھی ہے. یہ کھٹی ہے، وہ پہلے پہلے میٹھی تھی. بس یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کھٹی چیز، جس کو دیکھ کے نا ویسے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اور رسوئی میں چائے ناشتہ بنانے